नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सीतामढ़ी। मैं सभी छात्र छात्राओं को, जितने भी मेरे अजीज मित्र परम साथी हैं, उन सभी को सादर नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। और आज का जो हमारा बिंदु जो है वो संसदीय समितियों के बारे में। देखो, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए, जैसे भोपाल से घोटाले के बारे में पूछा गया है, टू जी स्टैम्प घोटाले के बारे में पूछा गया, तो ये काफी ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि ये कौन सी समिति का निर्णय है। इन पर कई बार प्रश्न आए, कई बार वित्तीय समितियों पर प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि संसदीय समितियां क्या है, ये कैसे काम करती है और इनका इतिहास क्या रहा है। तो आज का जो मुख्य बिंदु जो है, संसदीय समितियां, संसदीय समिति क्या है, यह समिति क्यों बनाई गई, संसदीय समिति क्या है, यह संसदीय समिति क्यों बनाई गई और इन संसदीय समितियों का इतिहास क्या रहा है और इनका जीवन चरित्र क्या रहा है। संसदीय नियमों की प्रक्रिया के द्वारा, संसद के लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इन समितियों का गठन किया जाता है। यानी सबसे पहली बात है कि क्या है, संसदीय नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इन समितियों का गठन किया जाता है। समितियों का गठन किया जाता है। भारत के इतिहास में सबसे पहले जो समितियां आई थी वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो सबसे पहले संसदीय समिति ब्रिटेन के संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। भारत में पहली समिति में, प्रथम समिति 1919 के माउंटेन ट्रांसपोर्ट अधिनियम के तहत आई, 1919 के माउंटेन ट्रांसपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत आई थी, अधिनियम 1919। ये छात्रों हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां, समितीय समिति क्या है, क्यों इनकी स्थापना हुई, इनका इतिहास क्या है। संसदीय समिति नियमों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इन समितियों का गठन किया जाता है और भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान का ये भाग थी और वहां से इन संसदीय समितियों का गठन हुआ। भारत में प्रथम समिति जो आई थी 1919 के माउंटेन ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1919 में, और उस समिति का नाम रखा गया था लोकलेखा समिति। और इस लोकलेखा समिति का गठन जो हुआ वो कब हुआ, 1921 में हुआ था। और वैसे यह आई थी कब, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। संसदीय समिति जो है इसको पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी भी कहा जाता है, जो लोकलेखा है इसको पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी भी इसको कहा जाता है, यानी जो अकाउंटिंग है पीएससी भी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी के नाम से इसको संबोधन दिया गया। देखो इनका इतिहास क्या है, जो संसदीय समिति है, इन समिति संसदीय समितियों का उल्लेख संविधान में कहां दिया हुआ है, तो संविधान में एक संसदीय समिति का उल्लेख दिया हुआ है। और कितने में, संविधान में अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन होगा या राजभाषा समिति का गठन करेगा। राष्ट्रपति राजभाषा समिति
राज भाषा समिति का गठन करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद या संविधान में अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राजभाषा समिति का गठन करेगा और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, हिंदी भाषा का विकास, विकास कैसे हो, हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए, हिंदी का भारतीय माध्यम उसमें वृद्धि कैसे हो, हिंदी में वृद्धि कैसे हो, इन सभी बातों के लिए इस राजभाषा आयोग का या समिति का गठन भारत का जो राष्ट्रपति है वो करता है। और अंग्रेजी के प्रसार को भारत में कैसे रोका जाए, अंग्रेजी के विस्तार को कैसे रोका जाए, ये उस समय क्योंकि अंग्रेजी तो वो भारत की लोकल भाषा नहीं और अंग्रेजी भारत का माध्यम नहीं था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, कंप्यूटरीकृत भाषा में श्रेष्ठ रूप से उभर के आ रही है, अन्य रूपों में भी आ रही है, तो आज तो दूसरी बात होगी। लेकिन 344 के अनुच्छेद में राजभाषा समिति का गठन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा में वृद्धि करना था और अंग्रेजी भाषा के विस्तार को कैसा रोका जाए। भारतीय संविधान के मूल में पहले 14 भाषा थी, आज उन भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 हो चुकी है। तो 22 अतिरिक्त भाषाएं या स्थानीय भाषाएं हैं, 22 स्थानीय जो भाषा है, उस स्थानीय भाषाओं में जो 22 भाषाओं को जो प्रतिनिधित्व मिला है, वो 22 भाषाओं का प्रतिनिधित्व भी किसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय राजभाषा आयोग या राष्ट्रीय राजभाषा जो समिति है उसके अंतर्गत इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है इसके अंतर्गत। अब आप ये कहोगे कि इसका इस समिति से क्या संबंध है, अगर ये जो आपने लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति राजभाषा संबंधी समिति का गठन करता है, तो इस राजभाषा समिति का संसदीय समितियों से क्या संबंध है, ये बात इसके अंतर्गत पूछी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि राजभाषा जो समितियों का जो अन्य समितियां वो इससे संबंध रखती है, क्यों रखती है वो देखिए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि 344 के अंतर्गत भाषा संबंधी जो रिपोर्ट है उसकी जांच के लिए एक भाषा समिति होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया, राजभाषा अधिनियम 1964 में लागू यहाँ पर हुआ था। इस समिति में 30 सदस्य, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा। देखिए 344 आर्टिकल कितना है, 344 के तहत राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, समिति का गठन किया था। राजभाषा जो समिति गठित की गई थी उसके आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। राजभाषा अधिनियम कितना बनाया गया, 1963। राजभाषा अधिनियम 1964 में लागू हुआ। आपका प्रश्न है कि सर इस समिति से इसका क्या संबंध है, तो 344 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राजभाषा समिति का गठन कर सकता है और भारत का राष्ट्रपति है, उसी समिति के आधार पर राजभाषा अधिनियम बनाया गया 1963 और राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, 1964 ईस्वी के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था। वहां पर पहली बार 344 में इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत में जो समितियों का गठन या संवैधानिक समितियों का गठन जो है वो किया जा सकता है या उनका हो सकता है। राजभाषा समिति के अलावा किसी भी समिति का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये जो राजभाषा समिति के अलावा किसी भी समिति का संविधान में उल्लेख नहीं है।
और एक बात और है कि केवल राजभाषा समिति का गठन राष्ट्रपति करता है, बाकी राष्ट्रपति नहीं करता है। तो ये भी संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा। दूसरी समिति आती है, वो दूसरी समिति आती है वित्तीय समिति। दूसरी समिति कौन सी आती है? वित्तीय समितियां। अब वित्तीय समिति में पहली जो समिति आती है वो कौन सी आती है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी। पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी का गठन हुआ कब? 1919 के अधिनियम में। और ये जो गठन हुआ, ये गठन कब हुआ? 1921। प्रस्ताव पारित हुआ, वो पारित तो हुआ 1919 के अधिनियम, और गठन कब हुआ इनका? 1921 में इनका गठन हुआ था। लोकलेखा समिति है, उसका गठन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है एक वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? एक वर्ष होता है। इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 22 सदस्य इसके कुल होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसके सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 सदस्य किसको होते हैं? राज्यसभा से। लोकलेखा समिति के जो कार्य है वो सीएजी द्वारा भारत में जो खर्चों का व्यय जो इसमें किया जाता है तो वो कैसे होता है वो देखिए। इस समिति के अंतर्गत सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति, सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखता। कहाँ रखता भाई? संसद में रखता। उस सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। किसकी जांच करती है? सीएजी की रिपोर्ट है, उसकी जांच जो है वो लोक लेखा समिति करती है। और ये जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है जब सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखता है। उसके बाद अगर यहां नोटेड बिंदु है, अगर लोकलेखा समिति को कोई दिक्कत आती है, अगर लोकलेखा समिति को कोई दिक्कत आती है, इसको कोई परेशानी होती है, तो ये ऐसी स्थिति में सीएजी से क्या कर लेता है? राय परामर्श कर लेता है। अगर लोकलेखा समिति जब राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की जो रिपोर्ट है वो संसद में रखी जाती है, उसकी जांच कौन करती है? लोकलेखा समिति। अगर लोकलेखा समिति को उस समय कोई परेशानी होती है तो वो किससे राय परामर्श कर लेती है? सीएजी से राय परामर्श कर सकती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सीएजी का मित्र, मार्गदर्शक व दार्शनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक कहा जाता है। दार्शनिक के नाम से इसको जाना जाता है। तो यानी सीएजी से राय परामर्श करता है, इसलिए सीएजी को लोकलेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है और मित्र भी कहा जाता है। इस तरीके से दोनों का मित्रवत व्यवहार होता है। लोकलेखा समिति में 1967 ईस्वी से इसका अध्यक्ष विपक्ष का व्यक्ति होता है। क्या होता है? विपक्ष का व्यक्ति इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। वर्तमान समय में चौधरी अधीर रंजन इसके अध्यक्ष हैं। और 5 मई 2020 से इसके क्या बने हैं? अध्यक्ष बने। तो वर्तमान समय में इसके चौधरी अधीर रंजन कांग्रेस के इसके अध्यक्ष हैं। 1967 से प्रावधान तक इसके अध्यक्ष कौन होंगे?
विपक्ष के व्यक्ति होंगे और सीएजी इसके मार्गदर्शक एज ए मित्र की भूमिका इसके अंतर्गत जो है वो यानी कि उसके द्वारा की जाती है। यानी दूसरी बात ये आती है यहाँ पर कि लोकलेखा जो समिति है ये एक मितवेय समिति भी कहा जा सकता है। जो भी लोकसभा में जो सीएजी में जो खर्चे उनका ब्यौरा दिया जाता है उसकी पूरी जांच इसके द्वारा की जाती है। तो ये पहली समिति थी जिस समिति को आप क्या करते हैं लोकलेखा समिति के नाम से इसको संबोधित आपके द्वारा किया जाता है। अब अगली समिति है अनुमान समिति। अनुमान समिति, प्राकलन समिति, अनुमान समिति, प्राकलन समिति और तीसरे नाम के एस्टिमेंट कमेटी। एस्टिमेंट कमेटी, एस्टिमेंट कमेटी, एस्टिमेंट कमेटी, अनुमान समिति और प्राकलन समिति होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इस अनुमान समिति प्राकलन समिति का कार्य वर्ष भी कितना होता है? एक वर्ष। इसका अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं 30। ये अनुमान नाम कैसे इसका? यानी लोकसभा में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में बजट प्रस्तुत होता है, क्या प्रस्तुत होता है? बजट प्रस्तुत होता है। तो लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत होता है तो उस बजट में सरकार के जो अनुमान पेश किए जाते हैं, आंकड़े पेश किए जाते हैं, वो अनुमान पेश किए जाते हैं वो वास्तविकता के नजदीक है कि नहीं, उसकी जांच करना इसका काम है। यानी लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत होता है और जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें जो अनुमानित अनुमानित आंकड़े जो है आंकड़े हैं वो वास्तविकता के नजदीक है कि नहीं है, नजदीक है या नहीं है उसकी जांच करती है। उसकी क्या करती है? जांच करती है। अब आप ये कहोगे कि उसकी जांच करती है, इसमें 30 सदस्य 300 लोकसभा के ही क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 109 में ये खुला प्रावधान दिया गया है कि बजट जो है वो बजट पहले या वित्त विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत होगा। क्यों? क्योंकि उस वित्त विधेयक में टैक्स लगाए जाते हैं, कम किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए टैक्स लगाए जाते हैं, तो वो सारे टैक्स हैं वो जनता से लिए जाते हैं और जनता का सदन लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा होता है। इसलिए इस अनुमान समिति में, प्राकलन समिति में, एस्टिमेंट जो एस्टिमेंट समिति में जो 300 सदस्य होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है कि जो बजट में वित्त मंत्री साहब द्वारा या सरकार द्वारा जो बजट पेश किया उसके अनुमानित आंकड़े जो है वो वास्तविकता के नजदीक है कि नहीं है, जो बजट में घोषणाएं की है क्या सरकार उसको पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या जो घोषणाओं में जो पैसे की खर्चे की बात हुई है वो अनुमानित आंकड़े तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इसकी पूरी जांच की जाती है। और इस अनुमान समिति जो है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अनुमानित समिति के नाम से इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ये तीसरी समिति है संसदीय समिति की और वैसे वित्तीय समिति की दूसरी समिति है जिसको आप प्राकलन कहते हैं। इन दोनों को जुड़वा बहनों और पालतू कुत्ते के नाम से भी इसको संबोधन किया गया। दूसरी बात यह है कि ये जो संसदीय में तीसरी जो आपकी समिति आती है उसको सार्वजनिक समिति कहते हैं। जो भारत के रक्षा मंत्री रहे कृष्ण मेमन उसकी अध्यक्षता के अंतर्गत इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो ये तीसरी समिति के रूप में आता है जिसको लोक उद्देश्य समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति कहते हैं। तो अगली समिति जो है लोक उद्देश्य समिति, उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक उद्देश्य समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति 1964 के अंतर्गत स्थापित हुई। ये तीसरी और सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समिति है। इस समिति के अंतर्गत जो कृष्णा मेमन जो है उनके द्वारा इस समिति का क्या किया गया था?
गठन किया गया था। किसके द्वारा? कृष्णा मेमन द्वारा इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा गठन किया गया था? कृष्णा मेमन नाम के जो व्यक्ति हैं उसके द्वारा किया गया। ये भारत के पहले रक्षा मंत्री भी रहे। इसमें क्या दिया गया है? ऐसे उद्यम जिनकी स्थापना सरकार यानी सरकारी कर्मचारी उसमें काम करते हैं उनके लिए समिति का गठन किया गया। ऐसे उद्यम जिसमें सरकारी कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनकी जांच के लिए इसका गठन किया गया। यानी लोक के उद्देश्य समिति जो है उसके अंतर्गत यह कहा गया कि ऐसे उत्तम दिन में की स्थापना सरकार में जो कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पर किया जाता है। काम करते हैं जिसमें सरकार का जो पैसा लगता है, लाभ हानि क्या होते हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत समझाया गया। तो कहने का मतलब लोक उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रम समिति 1964 कृष्णा मेमन द्वारा इसका गठन किया गया। ऐसे उद्देश्य जिसमें सरकारी कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनकी जांच के लिए या जो उपक्रम है जो सरकारी क्षेत्र में चल रहे ऐसे उद्यम जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए उनकी जांच के लिए समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और इस समिति में जैसे NTPC है यानी जो है NPTC है, जेल है जो संपत्ति इसमें, ONGC है, NGC है जो ऑयल से संबंधित जो आपकी आती है, BPL जो है, BPCL जो आपकी आती है, BPL जो आपकी है, ये सारी जो है ये ऐसे उद्यम है जो सरकार की स्वीकृति से यहाँ स्थापित हुए। IOCL आपकी है, ये जो सरकारी उद्यम कंपनियां हैं, सरकारी उद्यम है जहाँ पर NPT GC है, जेल है, ONGC है, PCL है, BPL है, ONGC है, ये सरकारी उपकरणों से संबंधित है। इन सभी में कार्यरत व्यवस्थाओं योजनाओं सभी की जांच के लिए समिति का क्या हुआ है? गठन हुआ है। और इस समिति के जो सबसे बड़े पक्षधर थे वो कौन थे? पंडित नेहरू थे। जो इसके कट्टर समर्थक थे वो कौन थे? पंडित नेहरू थे। और उनका मानना था कि देश सेवा कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई है। किसके लिए? देश सेवा व कल्याण के लिए इनकी स्थापना की गई है। तो आपके जो है लोक उद्देश्य समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति 1964 कृष्णा मेमन के द्वारा इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारी जो सरकारी कार्य क्षेत्र या किसी उद्यम क्षेत्र में कार्यरत हैं उन सभी से संबंधित नियमावली इसकी जांच के लिए। इनमें प्रमुख जो सरकारी उद्यम क्षेत्र है जो श्रेष्ठ रूप से चल रहे हैं उनमें NPTG है, BPCL है, BPL है, ONGC है, जेल है, उसके बाद IOCL है। और इनकी स्थापना का जो व्यवस्था वो पंडित नेहरू की है क्योंकि नेहरू चाहते थे कि देश की सेवा और कल्याण के लिए उनकी क्या की गई है, स्थापना उनके द्वारा की गई है, ये यहाँ पर उनके द्वारा लिखे जाते हैं। लोक उद्यम समिति में 22 सदस्य होते हैं। ये जो समिति है इसमें कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य, 15 लोकसभा से हैं और यानी कि 7 सदस्य किससे हैं? राज्यसभा से लिए जाते हैं। एक चीज और होती है इसके अंतर्गत जो ये 22 सदस्य हैं इस लोक उद्यम समिति में CAG द्वारा संसद में लोक उद्यमों में रखी गई जो रिपोर्ट है उसकी जांच की जाती है। इसके द्वारा क्या होती है? CAG द्वारा लोक उद्यम पर रखी गई रिपोर्ट की जांच की जाती है, रखी गई रिपोर्ट की जांच की जाती है। यह जांच उनके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोक उद्देश्य और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये भारत के संविधान में 3 वित्तीय समिति है लेकिन एक ऐसी समिति है जिसको आप तथर्थ समिति के नाम से संबोधित करते हैं, तथर्थ समिति कहा जाती है। देखो इनमें कुछ समितियों के उदाहरण भी हैं। इन सभी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
जो तीन समितियां मैंने पढ़ाई हैं, तीनों का कार्यकाल एक वर्ष ही होगा। तीनों में कोई भी मंत्री है वो इसमें भाग नहीं लेगा। तीनों जो समितियां उसमें कोई भी मंत्री परिषद का आदमी इसका सदस्य नहीं होगा। तीसरी बात, इनका चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व से किया जाएगा कि प्रत्येक पार्टी का बराबर रूप से इसमें क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। जैसे बीजेपी को पास 272 सीट है, एक उदाहरण देखिए, 272 का मतलब 50% है, तो आपके पास 22 सीटों में से 50% सीटें किसकी होंगी, बीजेपी की होंगी। उसके बाद में लोकसभा का 15 आ रहा तो उस रेशियो में बीजेपी के राज्य लोकसभा से होंगी। अगर कांग्रेस के पास मान लो कि 45 सीट है, तो 45 सीट है तो इसका मतलब 9% सीट है उनके पास, तो 9% सीट किसकी होगी, कांग्रेस की होगी। ऐसे सभी दलों को जिस प्रतिनिधित्व में सीटें हैं उनको उसी प्रतिनिधित्व में भाग दिया जाएगा, किसमें, लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत। तो सारी समितियां एक वर्ष के लिए हैं, सभी के मंत्री भाग नहीं लेंगे, एकल संक्रमणीय होगा और सभी को इनके अंतर्गत क्या होगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत दूसरी और समिति है, उस समिति को तथार्थ समिति के नाम से आप संबोधित करते हो। ऐसी समितियां जिसको विषम परिस्थितियों में जिनका गठन किया जाता है, तथार्थ समिति, ऐसी समिति जिनका गठन विषम परिस्थिति में किया जाता है। क्या किया जाता है, विषम परिस्थिति। अब विषम परिस्थिति का क्या, कौन सी परिस्थिति, मान लो एक तो बात है कि जनता के मस्तिष्क में किसी विषय को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो जाए तो उसकी जांच करवाने के लिए इसका गठन हो सकता है। कोई भ्रष्टाचार संबंधी कोई मुद्दा आ गया भयंकर तो इसका गठन किया जा सकता है। तीसरी चीज है, कोई ऐसा मामला हो जिस मामले पर सरकार है वो अपना रवैया साफ करना चाहती है, उसके लिए इसका गठन किया जा सकता है। यानी जनता के मस्तिष्क को व्यवस्थित करते हुए उसकी भावनाओं का जवाब देने के लिए विषम परिस्थिति में इनका गठन होता है। और इस गठन का जो मुख्य उद्देश्य सरकार का होता है वो अपना रवैया साफ करना, या कोई भ्रष्टाचार संबंधी मामला है, कोई गहरा मुद्दा होता है उसकी जांच के लिए इनका गठन किया जाता है। लेकिन इसका गठन हमेशा नहीं, आप ये कह सकते हो ऐसी समिति का गठन कभी कभार होता है, समिति का गठन कभी कभार होता है। यानी ऐसी समितियां जो हैं वो हमेशा या स्थायी रूप से नहीं बनाई जाती है। ऐसी जो समितियां, इस समिति के गठन के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति जरूरी है। अगर ऐसी समिति में दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, एक बात तो आप ये याद रखो कि इसमें दोनों सदनों की स्वीकृति क्या है, आवश्यक। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का जो सभापति है उनकी स्वैच्छिक इच्छा हो या उनकी इच्छा हो तो इस समिति का गठन किया जा सकता है। एक तो दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभापति दोनों ये महसूस करे कि वास्तव में ऐसी समिति का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, तो इसका हो सकता है। अगर विपक्ष की मांग पर पक्ष सहमत हो तो भी यानी इसका गठन हो सकता है। तीसरी बात क्या, विपक्ष अगर मांग करे तथा सत्ता पक्ष भी इसके पक्ष में, तथा सत्ता पक्ष भी राजी हो तो इसका गठन हो सकता है। तो तथार्थ समिति कभी कभार, ऐसी समिति जिनका गठन विषम परिस्थितियों में जनता के मस्तिष्क में उठ रहे सवालों, कोई भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दा, कोई संसदीय कार्य योजना व्यवस्था में घपला, उनके लिए इनका गठन होता है। गठन इसका करेगा लोकसभा अध्यक्ष, दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है ऐसी समिति में, लोकसभा राज्यसभा सभापति खुद इसको महसूस करते हैं या विपक्ष को इसकी जोरदार मांग उठाए और यानी सत्ता पक्ष इसके लिए राजी हो जाए तो तथार्थ समिति का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। तथार्थ समिति का आज तक भारत के संविधान में 5 बार इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। पहला गठन 1987 बोफोर्स में श्री शंकरानंद की अध्यक्षता, यानी 5 बार
पांच बार इस समिति का गठन हुआ आज तक, समिति का गठन हुआ यानी बोफोर्स, बोफोर्स घोटाला 1987, बोफोर्स घोटाला 1987 शंकरानंद की अध्यक्षता में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था शंकरानंद नंद की अध्यक्षता में। ये बड़ा भ्रष्टाचार था, उस समय पीएम कौन थे, पीएम राजीव गांधी। तो पहली बार जो समिति बनी वो बोफोर्स समिति बनी, ये घोटाले से संबंधित है, बोफोर्स घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। अब 1987 में बनी, शंकरानंद की अध्यक्षता में बनी और उस समय पीएम कौन थे, राजीव गांधी। दूसरा 1992-93 के अंतर्गत शेयर घोटाला 1992-93 शेयर स्टॉक घोटाला और उस समय रामनिवास मिर्धा इसके अध्यक्ष बने थे, रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष बने थे। और ये रामनिवास मिर्धा कहां से थे, राजस्थान से। हर्षा मेहता का नाम इसमें बहुत ज्यादा उछला था, ये घोटाले के जो मुख्य कारगर था वो हर्षा मेहता का नाम इसमें बहुत उछला था। तो ये जो मामला था कि राम जो शेयर स्टॉक घोटाला जो था जिसमें रामनिवास मिर्धा जो अध्यक्ष बने थे, इसमें ये मामला बहुत ज्यादा उठा था। तो ये दो मामले आपके हो गए 1992-93 के अंतर्गत, दो श्रेष्ठ मामलों के रूप से ये मांग उठी। तीसरी बार जब इसकी जो व्यवस्था आई थी वो 2000 में दूसरा मामला उठा था। और 2000 के अंतर्गत क्या मामला ये आया था, 2000 स्टॉक मार्केट घोटाला आया था। कौन सा घोटाला था, स्टॉक मार्केट घोटाला। कौन सा घोटाला भाई, स्टॉक मार्केट घोटाला, कितने में, 2000 के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश मनु त्रिपाठी या प्रकाश मनु त्रिपाठी इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या मामला हुआ था उसकी थोड़ी डिटेल सुनिए। उस समय क्या मामला हुआ था कि स्टॉक मार्केट घोटाले में प्रकाश मनु थे, केतन पारिक जो थे उसका नाम इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा उछला था। तो केतन पारिक का जो मामला है वो इसके अंतर्गत आया था, स्टॉक मार्केट घोटाले के अंतर्गत इन्होंने एक बड़े स्तर के ऊपर इस पर किया था कार्य। दूसरी बात देखिए, फिर 2002 के अंतर्गत कोल्ड ड्रिंक मामले के ऊपर समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, शरद पवार बने थे। उस समय देश के पीएम कौन थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये देश के पीएम। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या हुआ था कि उस समय सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट यानी इस पर क्या था, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट उसके अंतर्गत एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट के माध्यम से एक मामला उठा था कि जितनी भी हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक पाया जाता है और ये शरीर के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। और ये मामला उठाया था, एक एनजीओ चलाती थी और वो एनजीओ चलाती थी जिसका नाम था सुनीता नारायण। उस सुनीता नारायण ने ये मामला उठाया था उस एनजीओ के माध्यम से कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही घातक है और इसके लिए 2002 में शरद पवार की अध्यक्षता के अंतर्गत इस समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था या इस समिति को जोड़ा गया था। लेकिन 2002 के बाद यानी कि 2011 में एक समिति बनी और 2011 में 2G स्टैंप घोटाला हुआ। 2G स्टैंप में घोटाला हुआ और 2G स्टैंप घोटाले में पीसी चाको की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, पीसी चाको की अध्यक्षता के अंतर्गत जो दूरसंचार विभाग में घोटाला था, दूरसंचार में किसने किया था, इसमें ए राजा जो वित्त मंत्री जो आपके संचार मंत्री थे, ए राजा का नाम बहुत उछला था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2G स्टैंप घोटाले में जो पीसी चाको समिति बनी थी और पीसी चाको की अध्यक्षता में
2G स्टैंप घोटाले के ऊपर अनेक रूप से ये मामला उभर के आया था। ये चीज आपकी कहाँ आती है, वो आती है किस मामले में आती है, इन घोटालों। तो तथर्थ वो समिति है जिनका गठन कभी कभार आता, जिसका गठन में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा पति से परामर्श करके किया जाता है, और ऐसी समितियां हैं उनके द्वारा जब विपक्ष मुद्दा उठाए और पक्ष भी चाहे तो गठन हो सकता है, और ये समितियां केवल जांच विशेष के लिए बनाई जाती है। पहली समिति अब बोफोर्स घोटाला 1987 शंकरानंद की अध्यक्षता में राजीव गांधी की है, 1992-93 सेल स्टॉक घोटाला रामनिवास मेहता की अध्यक्षता में हर्षा मेहता का नाम उछला था, 2002 के अंतर्गत फिर स्टॉक मार्केट घोटाला प्रकाश मनु केतन पारी का नाम उछला, 2000 में कोल्ड ड्रिंक शरद पवार और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, एनजीओ चलाती थी सुनीता नारायण और 2G स्टैंप घोटाले पीसी चाको का नाम उछला। ये सारी चीजें आपके क्लियर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन समितियों के बारे में बताया मैंने, पूरी चीजें आप तैयार कीजिए, कल एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा आपके लिए भगवान से, माँ श्वेतांबरी से यही दुआ करता हूँ। आप सभी का बनाया गया प्रेम, दिए गए कमेंट, किए गए लाइक मेरे लिए एनर्जी है। जय हिंद, जय भारत।